खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब एक अहम खबर, बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करने पहुंचे साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता प्रकाश राज। कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रकाश राज, उनको देखने के लिए और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में होड़ लग गई। लेकिन प्रकाश राज जब बोलने आए तो पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने कर दी। प्रकाश राज ने पीएम को बेशर्म तक कह दिया। सेना के नाम पर वोट मांगने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रकाश राज ने यह टिप्पणी की। आपको बता दें, प्रकाश राज हिंदी से लेकर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सरीकी फिल्मों के जाने माने कलाकार हैं। प्रकाश राज मोदी विरोधी बयानों को लेकर पहले भी काफी चर्चा में रह चुके हैं और इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री को बेशर्म कह डाला। प्रधानमंत्री मोदी फारबिसगंज में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और जो जो विरोधी जो है जो सबूत मांग रहे थे एयर स्ट्राइक का और केंद्र सरकार और सेना की जो कार्रवाई थी उसका जो सबूत मांग रहे थे, दो चरणों के मतदान के बाद उनका चेहरा ढीला पड़ गया है। मोदी जी बेशरम है, बेशरम है मोदी जी। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कभी नहीं देखा। जब चुनाव आयोग ने बोला है, जो हमारा आर्मी ने बोला है, आर्मी का और इस हमला का पॉलिटिक्स मत करो, फिर कर रहा है, क्योंकि उनको सच बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट कार्ड नहीं है। रोजगार का क्या हुआ उसका जवाब दो, किसानों का हालत क्या हुआ उसका जवाब दो, स्कूल्स का क्या हुआ उसका जवाब दो, उसका जवाब जवाब नहीं है, इसीलिए वो किसी के पीछे जा रहे हैं। बेशरम है, इन बेशरम बातों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, लोग देंगे।